अलीपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रहे मास्टर ताराचंद के जीवन पर छपी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस विमोचन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तरी विभाग कार्यवाह दिनेश बुराड़ी जिले के संघ चालक देवेंद्र जोशी मास्टर ताराचंद के सुपुत्र सुभाष एवं जिला कार्यवाह जितेंद्र के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। अपने व्यक्तित्व में सभी अधिकारियों के द्वारा गुरुजी के जीवन के संघर्ष एवं व्यक्तित्व की चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में नरेला जिला के पूर्व विधायक नील दमन खत्री, पूर्व निगम पार्षद के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन भारद्वाज, विधायक प्रत्याशी रविंद्र इंद्रराज, अलीपुर क्षेत्र के निगम पार्षद योगेश राणा, रविंद्र सिंगल, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद पाल मान, हरिपुर गांव से मास्टर जय नारायण, अनिल नेता, प्रदीप मान, रोहतास शिव कुमार, सह जिला कारवा नवीन, विश्व हिंदू परिषद हरिपुर प्रखंड अध्यक्ष अनिल मास्टर, जिला मंत्री राजेश जैन घनश्याम, हरिपुर के अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं मास्टर ताराचंद के परिवार भी उपस्थित रहे। असल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मैं देवेंद्र जोशी, जिला संघ चालक बुराड़ी। आज का ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम स्वर्गीय ताराचंद गुप्ता जी, जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, समाज के प्रेरणा स्रोत, किस तरह से समाज में कार्य किया जाता है निस्वार्थ भाव से, उसकी प्रेरणा हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने दी, उनके कार्यों ने दी, और उसी का एक संकलन रूप में जो उनके द्वारा स्वयं लिखित है, उसका आज विमोचन का एक कार्यक्रम रखा था, ताकि लोग उनको पढ़ें, उनके बारे में जानें कि कैसे संत और महापुरुष गृहस्थ जीवन होते हुए भी समाज हित में कार्य करते हैं। यह सब बातें इस पुस्तक में समाहित हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, अभावग्रस्त होते हुए भी समाज के लिए सर्वस्व त्याग करने की भावना उनके अंदर थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको पुस्तक रूप में दिया जाए, और इसके आज उनकी वर्षी के टाइम पर इसका विमोचन किया है। यही एक कार्यक्रम था। धन्यवाद। पूर्व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नॉर्थ दिल्ली, मेरा लगभग 45 साल का ताराचंद जी से संपर्क था, और समाज के प्रति जो सेवा भाव त्याग जो मैंने उनमें देखा तो प्रेरणादायक था। कई बार तो हमने ये देखा कि वो अगर बच्चों के लिए दूध लेने के लिए गए हैं और काम कोई सामाजिक कार्य चल रहा है तो दूध की डोली वहीं रखकर काम में लग जाते थे, बच्चे स्कूल में जाने की चिंता करते थे चाय दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, समाज के कार्यों के प्रति इतना उनका समर्पण भाव था। बाकी उनका आज की श्रद्धांजलि सभा, पुस्तक का विमोचन, प्रथम उनकी पुण्यतिथि थी, श्रद्धांजलि सभा थी, तो उसमें ये आज कार्यक्रम रखा, और एक समर्पित स्वयंसेवक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो ये कार्यक्रम किया गया, संगठन के लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये ऐसे कार्यक्रम किसी के जीवन में 98 साल की आयु तक उन्होंने समाज का कार्य किया, और ऐसे लोगों को याद करने के लिए उन पर पुस्तक का विमोचन, उनकी स्वयं की लिखी हुई जो थी उसका पुस्तक का लिखा हुआ उसका विमोचन करना, और प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखना, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ऐसा अच्छा लगा। आज का ये कार्यक्रम हमारे बहुत ही आदरणीय मास्टर ताराचंद जी की बरसी के रूप में मनाया गया है, इनकी एक किताब का विमोचन भी हुआ है, और ताराचंद जी के बारे में जितना भी कहें वो कम है, उन्होंने सदैव देश और समाज के लिए समर्पित रहे हैं, रहकर के काम किया है, हमारे जैसों के प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत हमारे लिए बहुत ही आदरणीय। हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं, तो मास्टर जी से हमारा बहुत ज़्यादा मिलना नहीं रहा, जब वो पिछले 3-4 साल जब बिल्कुल ही बुजुर्ग हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, तब भी शाखाओं में आते थे, इतनी हिम्मत दिखाते थे,
कभी भी अपने जो भी हमें सलाह लेनी थी मशवरा करना था हमेशा समाज के ही बात करते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की हम भी कोशिश करेंगे।